ఒక్కసారి నాది అనుకుంటే దానికోసం ప్రాణం ఇస్తా. జాన్ దేదుంగ అది నా క్యాడర్. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म अल्लूडू अदूर्स और रेड फिल्म के शुरुआती 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में. और दोस्तों जानेंगे कि इन फिल्मों ने अभी तक कितने रुपए का कलेक्शन किया है और इनमें से कौन सी मूवी रही बॉक्स ऑफिस पर हिट और कौन सी रही फ्लॉप. तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म रेड के शुरुआती 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में. तो दोस्तों बता दें कि रेड एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है किशोर त्रिमुखी मुलाने. और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं एनर्जेटिक स्टार रामपोथेनिनी और इस फिल्म की लीडिंग लेडी है निवेता पेथुराज. और दोस्तों बात करें रेड फिल्म के डेली डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ 45 लाख रुपए का. वहीं इस फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन रहा लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए. वहीं इस फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन रहा लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए. और इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए लगभग 3 करोड़ रुपए. पांचवें दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 1.5 करोड़ रुपए का. वहीं इस फिल्म ने अपने छठे दिन 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और सातवें दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 80 लाख रुपए का. तो दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था लगभग 22 करोड़ 75 लाख रुपए. वहीं इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था लगभग 26 करोड़ 75 लाख रुपए का. और दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 7 दिनों में ओवरसीज यानी कि इंडिया के बाहर से कमाई की थी लगभग 50 लाख रुपए की. तो दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका था लगभग 27 करोड़ 25 लाख रुपए का. और दोस्तों इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है हिट. तो दोस्तों अब बात करते हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म अल्लूडू अदूर्स के बारे में. तो दोस्तों आपको बता दें कि अल्लूडू अदूर्स एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है संतोष श्रीनिवास ने. और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं साई श्रीनिवास, बेलम कोंडा और इस फिल्म की लीडिंग लेडी नभा नितेश. बता दें दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन रिलीज होते ही कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 97 लाख रुपए का. वहीं इस फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन रहा लगभग 2 करोड़ 6 लाख रुपए. तीसरे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए का. वहीं इस फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन रहा लगभग 95 लाख रुपए. और दोस्तों इस फिल्म ने अपने पांचवें दिन कलेक्शन किया लगभग 60 लाख रुपए का. वहीं इस फिल्म के छठे दिन का कलेक्शन रहा लगभग 43 लाख रुपए. और दोस्तों इस फिल्म ने अपने सातवें दिन लगभग 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था. और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था लगभग 9 करोड़ 71 लाख रुपए. वहीं इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था लगभग 11 करोड़ 40 लाख रुपए का. और दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों में ओवरसीज यानी कि इंडिया के बाहर से कमाई की थी लगभग 30 लाख रुपए की. तो दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 7 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका था लगभग 11 करोड़ 70 लाख रुपए. बताया दोस्तों कि इस फिल्म को अभी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और करना होगा, उसके बाद ही इस फिल्म को हिट का टैग मिलेगा. और दोस्तों अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी तो आपको इनमें से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए.